हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज आए हैं हम सक्षम और के घर, क्योंकि सक्षम का है बर्थडे और बर्थडे को सेलिब्रेशन करने के लिए हम यहीं शामिल हुए हैं सब के सब। चिकन दिखाएंगे बाद में, बन गया है। ये चिकन बनाया है आज, और जो उमेश ने ही बनाया चिकन राड़ा राड़ा और क्या बना है? छोले काले। क्या बढ़िया, तूने बनाए ये? और अच्छे बने। और ये पनीर बढ़िया दिख रहा है पनीर। तो आज आए हम सक्षम के बर्थडे के दिन, और कट गया केक और हमने खा भी लिया। बहुत टेस्टी केक था, और एक टिंटिन भी आया यहाँ पे। और यहाँ पे हो रही है हमारी छोटी मोटी बातचीत, और टाइगर देखो कितने ध्यान से सुन रहा है। टाइगर अगर बैठता है तो सोफे या चेयर में ही बैठता है, और अपनी सेटिंग कर रहा है देखो। हाय दोस्तों, आ गए हम घर पे, और 10:30 बजे आए, और भाई भाभी जी छोड़ने आए थे हमको नीचे। 11 बज गए और सोने की तैयारी में हम सब, और थक गए गाइस बहुत। चलो दोस्तों, यहीं पे आपको बाय बाय एंड गुड नाइट बोलते हैं, और फिर कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा जो ट्रेड फेयर का है वीडियो, वो थोड़ी बड़ी बन गई है, तो पर कितना काटती मैं आपको सब दिखाना चाहती थी कि हम यहाँ यहाँ घूमे, मतलब सारी सारे प्रदेश दिखा दिए थे मैंने उसमें आपको, कि क्या क्या कहाँ मिल रहा है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? और ये है अगला दिन, और अभी मेरा काम काफी सारा है, काम करना है मैंने। बच्चे सो रखे हैं, तो तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ पूरा। और मुझे निकालने और भी गर्म कपड़े, मतलब बच्चों के गर्म कपड़े निकालने, और सारा सेट करूंगी फिर से। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है चाय से, मैंने रख दिया चाय, और साथ के साथ मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो खाली चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो साथ में कुछ ना कुछ बना देती हूँ मैं। इसको काटने की जरूरत नहीं है, बनाती हूँ एक ऑमलेट। और अभी सारा किचन फैला हुआ है, क्योंकि अभी अभी मैंने किचन भी साफ किया था, तो अभी फैला हुआ है सारा सामान। तो तब तक मुझे भूख लग गई, और मैं फिर अपने खाने की तैयारी करने लगी।
पहले सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी पर नहीं। एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ बना रही हूँ नाश्ता, और बच्चे जब उठेंगे मैं तभी उनके लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। बन गया मेरा नाश्ता। और एक तरफ चाय बन रही है। मलाई है तो मलाई छान के ही डालूंगी। यह है हरी चटनी और थोड़ा थोड़ा कांच सामान भी जो फैल रखा उसको मैं रख रही हूँ, और ये हरी चटनी इसमें लगा दूंगी। चाय मुझे थोड़ी बॉयली अच्छी लगती है, मतलब अच्छे से बॉयल और कड़क, दूध दूध की अच्छी नहीं लगती है। अगर दूध ज्यादा डाला है तो उसमें चाय पत्ती भी ज्यादा होनी चाहिए तो तब अच्छी होती है। तो आप लोग बताइए आपका संडे कैसे जा रहा है, क्योंकि ये संडे तो ऐसे ही जा रहा है क्योंकि बच्चों के आ रहे हैं एग्जाम और कहीं आ जा सकते हैं नहीं। चक्षम के बर्थडे के लिए गए थे हम कल और लेट गए क्योंकि टिनटिन ट्यूशन से लेट ही आया, और उसके बाद फिर आ गए थे 10:30 करीब। अब बच्चों के पेपर आ रहे हैं तो इसलिए मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती हूँ। तो अभी चाय पीते बैठ के आराम से और फिर करेंगे और सारा काम, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मुझे और भी निकालने हैं। मुझे खोलने ये बेड और उसमें से और सामान निकालूंगी, मतलब कपड़े निकालूंगी, स्वेटर वगैरह, बच्चों की जैकेट वगैरह। तो देखते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं और काम। तो आ गई हूँ मैं इस कमरे में और ये है सब जो जैकेट वगैरह निकाली मैंने, अब इनको रखूंगी यहाँ पे संभाल के, ये इनर वगैरह बच्चों के। ये सॉक्स और टोपियां मैंने ऐसे संभाल के रखी है इसमें, तो ये इधर उधर घूमनी होती है। तो यहाँ बच्चे उठ गए हैं और चले गए हैं दोनों ट्यूशन, और मैंने उनके बेड को साफ़ करके मैंने गरम बेडशीट लगा दी है, और बेड के नीचे काफ़ी कूड़ा रहता है तो वो भी साफ़ कर देती हूँ मैं।
तो दोस्तों हो गया है मेरा काम और बच्चे तो गए ट्यूशन में और आने वाले हैं, तो मैं बना रही हूँ अब उनके लिए खाना क्योंकि उन्होंने नाश्ता नहीं करा। सी मतलब लेट उठे और ट्यूशन चले गए सीधा। अब उनके लिए बनाऊंगी मैं खाना। तो यहीं पे मैं आपको बाय बाय करती हूँ और फिर कल मिलूंगी दोस्तों एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए। ट्रेड फेयर से दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ सनफ्लावर का फ्लावर, देखो, और इसमें तीन है, ये तीन फ्लावर है इसमें और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो, लग रहा है ना मेरी शक्ल के जैसे, और सुंदर है काफी। बस यही लेके आई हूँ मैं और दीदी, और मतलब दीदी और लेके आए थे, यशोदा लेके आई थी अचार चटनी, तो मैं वो कुछ नहीं लाई क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा और रिजनेबल प्राइस में मिल गया 300 का। तो चलिए दोस्तों यहीं पे बाय बाय।